मुझको लगता है कि आज़ाद भारत का पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम आज हम लोग देख रहे हैं, और केवल आगरा नहीं बल्कि भारत के सभी 650 जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर जिला हेडक्वार्टर पर इसी तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी परिषद द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैं मिशन साहसी कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, एक और यहाँ जो लड़कियाँ तमाम सारी वो सब गुण सीख रही है, वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो सेना ने एक मुख्यालय को तबाह कर दिया पाकिस्तान के, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के शुभ अवसर पर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कुछ कार्यक्रम नहीं हो सकता, और मैं केवल आज इस मिशन साहसी कार्यक्रम के तहत ही इनको बधाई देना चाहूँगा, बच्चियों का अभिनंदन करना चाहूँगा, उनके साहस और जज्बे को सलाम करना चाहूँगा, और निश्चित रूप से ये बच्चियाँ जब आगे खड़ी होंगे तो बाकी सबको स्वतः तबाह कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल अखिलेश का एक बयान आया है, सपा बसपा का गठबंधन बहुत जल्दी होगा, ये मंच को लेटकर नहीं है, मेरा आपसे अनुरोध है। चलो, फिर आपसे कहूंगा कि ये मंच राम मंदिर की तारीख के 3 महीने बढ़ा दिया गया है, तारीख टाल दी है, मंदिर की तारीख 3 महीने बढ़ा दी है, ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है। मैं जब आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भगवान श्री राम हम लोगों के श्रद्धा के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, करोड़ों करोड़ लोग इस बात को जानते हैं, मानते हैं और चाहते हैं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। लेकिन आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी एक पवित्र संस्था है, जैसा निर्देश होगा वैसा काम होगा, और उन्होंने सुनवाई की है, आगे बढ़ाया है, और उसके बाद अब आगे जो कुछ करेंगे उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। आज इस मिशन साहसी कार्यक्रम में पूरे देश भर के 5 लाख छात्राओं ने हिस्सा लिया है। इन छात्राओं ने 10 दिन से ट्रेनिंग ली है, ये ट्रेनिंग इस प्रकार की है कि अगर बहन छात्राएं सड़क पर चल रही हैं उस समय अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है या कोई छेड़खानी होती है, उस समय उनके हाथ में जो कुछ भी है, पेन है, मोबाइल है, दुपट्टा है, बैग है, और इस प्रकार की जो 19 प्रकार की टेक्निक हमने छात्राओं को सिखाई है कि उनका अपना स्वयं की सुरक्षा वो कर सकें।